यो बस गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू न्यू क्या? हाँ सॉरी न्यू वीडियो। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ करके नहीं किया कॉमेडी के लिए, मैंने गलती से बोल दिया कुछ और। ठीक है, सो इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों को अपनी गेमिंग जर्नी दिखाऊंगा। ठीक है, ये फोन, ठीक है बाद में दिखाता हूँ सारे फोन। ठीक है, तो ठीक है अभी अपन लोग स्टार्ट करने वाले अपनी वीडियो को। ओके, सो गेट रेडी एंड एक्साइटेड रहो यार, बहुत बहुत सारे फोन में खेला हूँ मैं तो, क्या बोलूँगा। ठीक है, तो यार सबसे पहले फोन की अपन बात करते हैं, ये है अपना, पहचानो कौन सा फोन है। सबसे आगे क्या लिखा है? सैमसंग लिखा है। ठीक है, तो सैमसंग लिखा है तो ऑब्वियसली ये टैबलेट है, ये अपना टैबलेट है। इसमें मैं सबसे पहले खेला करता था, ऑलमोस्ट अराउंड 6 या 5 ईयर्स पहले खेला करता था। इससे देखो चालू हो गया ये। ठीक है, तो इसमें मैं खेला करता था, एक मोटर राइडर करके कोई ऐसा गेम आता था उसमें खेला करता था। बस ये देखो चालू हो रहा है। ठीक है, बस इसमें यही वाला गेम खेलता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरी लाइफ में आया ये फोन, बहुत अमेजिंग फोन था ये, वाइब K5 कुछ था, ये लिनोवो का था बेसिकली। ठीक है, और बहुत अच्छा फोन था ये जब के टाइम पर ये, लेकिन अब इसकी हालत देखो, कोई इसको 100 रुपये में भी नहीं लेगा। ठीक है, इसमें मैं खेलता था फीफा मोबाइल जब नया नया आया था, जब खेलता था मैं फीफा 16 या 17 था कोई। ठीक है, तो ये खेलता था मैं, समझ में आया ये कितना लेजेंडरी फोन था। अब सेकंड फोन की अपन बात करते हैं, तो ये अपना 2 GB RAM वाला फोन, ये देखो स्क्रैचेस, ये है वीवो, ये वीवो है अपना। ठीक है, 2 GB RAM फोन था, इसमें मैंने पहली बार फ्री फायर खेलना चालू किया था 2019 23 मार्च से, मुझे आज भी वो डेट याद है, जब कुछ वर्ल्ड कप चल रहा था जब के टाइम पर खेलना स्टार्ट किया था मैंने फ्री फायर, तो इसमें मैंने सबसे पहले खेला था। और ये भाई क्या ही फोन था यार, कितने सही टाइम तक चला, 2020 तक के मैंने करीब 2 मार्च तक इसमें खेला। ठीक है, फिर मेरे पापा जी ने मुझे बर्थडे 3 मार्च को ये वाला फोन दिलाया था, देख रहे हो ये कौन सा है, मैं दिख रहा हूँ क्या इसमें स्क्रीन में? हाँ दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है अपना Redmi 8A, बहुत अच्छा फोन है। ठीक है, 3 GB RAM प्लस 32 GB स्टोरेज, बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा भी चलता था इसमें गेम, लेकिन इसे लैग मारता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन भाई फिर भी बहुत नेक्स्ट लेवल फोन था जब के टाइम पर 2020 में। लेकिन यार मैं सोचा था 2020 में बहुत मजे करूंगा, लेकिन 2020 में अब जानते भी हो कोरोना आ गया, तो पूरी जिंदगी खराब करके रख दी, इथल उथल कर दी, क्या बोलूँ अब मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फोन कौन सा था? हाँ नेक्स्ट फोन अपना बहुत अमेजिंग था गाइस, लेकिन यार मैं उसे लाना भूल गया। ठीक है, आप लोग 2 मिनट रुको मैं लेकर आता हूँ। फाइनली वापस आ चुका हूँ, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं है कैसे, लेकिन मैंने वीडियो पॉज करने की बजाय क्या बोलूँ यार, वीडियो बंद कर दी मैंने, रेड वाले बटन पे दबा दिया, क्या करूँ यार, आई एम न्यू गाइस। ठीक है, सो आई एम बॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट फोन के बारे में बात करते हैं, जो कि आता है Redmi 8A के बाद में, जिसमें मैंने गेम खेला था, और वो फोन इतना महान है, इतना महान है कि उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1.5 या 2 घंटा खेल सकता था, 1.5 या 2 घंटा, कैन यू इमेजिन, शुरू में तो 1 घंटा ही था, कभी कभार आधा घंटा भी हो जाता था। सो वो फोन है मेरी माँ का फोन, मैं दिख रहा हूँ इसके कैमरे में, देखा मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, सो ये फोन है अपना MI 10i 5G। ठीक है, 5G फोन है तो बहुत अच्छा फोन है ये, और 120 Hz का AMOLED डिस्प्ले था इसमें, और बहुत अच्छा लगा था ये फोन चलाने में, लेकिन बस ये थोड़ा सा हैवी है। ठीक है, बाकी ज्यादा मतलब गेम के उसमें मैं उतना अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा कि मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं ये कहूंगा कि ये एक वेरी गुड फोन है जिसमें आप PC जैसा गेम प्ले कर सकते हो, विंसेंजो जैसा नहीं, ये मतलब अच्छा अच्छा खेल सकते हैं इसमें भी। तो इस फोन में था मेरा फ्री फायर, ठीक है, 29th of January के बाद मैंने इसमें खेलना शुरू किया था, जब मेरी माँ को उनका बर्थडे गिफ्ट मिला था ये। ठीक
ठीक है, तो इसमें 750G प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन का, तो मैंने सोचा इसी में खेल लेते हैं। मेरे रेडमी 8A में तो 400 या 500 का था बस, तो मैंने इसमें खेलना शुरू कर दिया भाई। इसमें मक्खन हेडशॉट लगता था, मक्खन, सच बोल रहा हूँ भाई। इसी मेरे ज्यादातर लाइक तो इस फोन की वजह से बढ़े हैं, पता है, इतने अच्छे हेडशॉट मारता था। ठीक है, अब ठीक है, इस फोन को करते हैं साइड में। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं अपना नेक्स्ट फोन, लेकिन नेक्स्ट फोन कैसे दिखाऊंगा यार, जो नेक्स्ट फोन है उससे तो रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। तो ये वाली वीडियो बंद करके, ये 5G वाले फोन से वीडियो चालू करके, इसको अपनी वीडियो में ऐड करके, एडिट करके सब डालूंगा। ठीक है, वो वाला भी डालता हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट रुको यार, इंतजार करो। सो गाइस, पूरे 5 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं आधे घंटे बाद मैं इस दूसरे फोन से वीडियो बनाने में, क्या बोलते हो, सक्सेसफुल हो गया। हाँ ठीक है, तो जिस पे मैं पहले वीडियो बना रहा था, अभी तक जो आपने वीडियो देखी थी वो इस वाले फोन से देखी थी। ठीक है, ये अपना MI Note 10 Pro है, या बोल सकते हो Redmi Note 10 Pro एक ही होता है। मेरे पापा जी ने मुझे गिफ्ट दिया, ठीक है, सरप्राइज गिफ्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फोन, लेकिन इसमें गेम खेलने का मजा आता है, आईफोन जैसा। आईफोन इस वाले में जिस रिकॉर्डिंग चल रही है, जो अभी दिखाया था 5G फोन, उसमें 750G प्रोसेसर, ठीक है, स्नैपड्रैगन का। अब देखो मैं इसको अनलॉक करके दिखाता हूँ। इसमें भी 120Hz AMOLED डिस्प्ले है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है फोन। ठीक है, और इसका जो स्नैपड्रैगन है वो अपना 732G है, मतलब बराबर से एकदम बैलेंस होकर चलता है। लेकिन थोड़ा सा नीचे ये वाला Redmi Note 10 है, ये वाला नहीं, Redmi Note 10 Pro, ये 5G फोन है अपना, MI 10i। ठीक है, तो ये हल्का सा अनबैलेंस हो जाता है बस। ठीक है, और इसमें गेम एकदम स्मूथ चलता है, और ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं, अभी खेल रहा हूँ, मतलब अभी इसमें खेलता हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा कीमती टाइम, प्रीशियस टाइम, अनमोल टाइम, जो भी जैसा भी टाइम है, वो सब आपका वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, जब तक के लिए।